जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से सभी को मालूम है कि कुछ दिन पहले 10th और 12th के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सोलापुर में करियर गाइडेंस का एक बहुत ही बड़ा जलसा आज रखा गया है, जिसके इंतजामिया है सोलापुर शहर के लश्कर एरिया से लेकर कुमटाना का जवाहर नगर, शास्त्री नगर, यहाँ पर जितने भी मस्जिद हैं, तकरीबन 20 मस्जिद हैं, इन 20 मस्जिद के जो जुम्मेदार हैं, ये जुम्मेदारों ने मिलकर ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम आज रखा है कि तलबा आगे 10वीं और 12वीं के बाद किन शोबों में तालीम हासिल करें या किस फैकल्टी में एडमिशन लें। तो इसकी इस चीज़ को लेकर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन मसाजिदों के जुम्मेदारों ने ये इकदाम उठाया है। जबकि ये फैसला और ये कदम उठाने का काम तालीमी इदारों का है, तालीमी इंतजामिया का है, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ काम मसाजिदों ने आगे, मसाजिद के इंतजामिया जो हैं उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर ये काम जुम्मेदारी के साथ शुरू किया है। तो आज उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट, जो हमारी दावत को कबूल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। आपका हमारे स्टूडियो में, लोक प्रधान के स्टूडियो में खैर मकदम है। सर, आपका तारुफ पेश करें। मेरा नाम हफीजुर रहमान अंसारी है और मेरा ताल्लुक मुंबई शहर से, और मैं एक तंजीम काविश से जुड़ा हूँ। काविज़ जो तंजीम है, ये तुलबा और तुलबा में करियर गाइडेंस, एजुकेशनल अवेयरनेस, पेरेंटल गाइडेंस और उसके साथ साथ काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ करती है, ना सिर्फ मुंबई शहर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान भर में हम जो है ये कदम उठाते हैं और ये काम करते हैं। सर, आपका तारुफ पेश करिए। जी, मेरा नाम आमिर अंसारी है, मेरा ताल्लुक मुंबई शहर से है और पेशे से मैं टीचर हूँ। एक स्कूल में, मदनी हाई स्कूल में, सदर मुदर्रिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी वहाँ निभा रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट स्कूल है और साथ ही साथ करियर गाइडेंस का एक डिप्लोमा हमने पिछले 10 साल पहले 2004-05 में हमने किया था, 20 साल पहले। वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिप्लोमा है काउंसिलिंग का, जो जिसके ज़रिए हम उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में जो है वो इस तरह का करियर गाइडेंस के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो गवर्नमेंट जिस तरह का काम हमसे कहती है वो भी काम, और प्लस हमने जो काविश ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करके हम बच्चों में, पेरेंट्स में करियर गाइडेंस और तालीमी रहनुमाई का प्रोग्राम करते रहे हैं। साथ ही साथ मैं जो रोजनामा इनकलाब है उससे भी वाबस्ता हूँ, उसमें भी जो बच्चे क्वेश्चन आंसर बच्चों के आते हैं तालीमी रहनुमाई के मुताबिक और करियर के मुताबिक, जो कुछ भी नए शोबे में जो तब्दीली आ रही है तालीमी शोबे में, उसमें मुख्तलिफ उनवानात मज़ामीन भी लिखे जा रहे हैं। अच्छा, आपने काविश का जिक्र किया, आप दोनों ने भी, तो काविश जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? इससे अप्रोक्सीमेटली 450 लोग जो है जुड़े हैं, जिनमें टीचर्स और प्रोफेशनल्स हैं, और ये लोग सब अपने अपने इलाके में एक्टिव हैं। और इसके अलावा हम लोग का एक आइकॉनिक प्रोग्राम हम होंगे कामयाब जो हर साल होता है, वो मुंबई में शान मुकन्नन हॉल में होता है, तो ये भी उस एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। तो 450 के आसपास लोग हैं इसमें। 450 पूरे असातिज़ा हैं? असातिज़ा भी है और प्रोफेशनल्स भी हैं। प्रोफेशनल्स जैसे मैं टीचिंग फील्ड से नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मैं मास्टर इन साइंस इन्वायरमेंटल किया हूँ। हाँ। तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ एक सईद भाई हैं, वो कंप्यूटर के प्रोफेशनल हैं, और टीचर्स आज़ाद भी हैं, जैसे आमिर सर हैं, और भी काफ़ी टीचर्स। तो काविश का जो काम है पूरा तालीमी शोबे में ही काम करना है और बच्चों को गाइडेंस करना, यही? यस यस, इसमें मेजर जो है हम लोग का जो फोकस है, एक स्टूडेंट है, दूसरा पेरेंट्स है, और तीसरा टीचर्स है। टीचर्स को हम लोग जो है डिजिटली ट्रेन करते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह बनाना, वीडियोस किस तरह बनाना, वो भी हम करते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स में हम लोग बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक को ला के उनसे काफ़ी तरबियत का, इखलाकियात है,
काफ़ी कुछ उस पर भी काम करते हैं, और बच्चों के लिए तो करते ही हैं, करियर गाइडेंस हो गया, एजुकेशनल अवेयरनेस हो गया, स्टडी टेक्निक्स हो गया, आज द एक्सपर्ट हो गया। शॉर्ट अगर शॉर्ट टर्म शॉर्ट लफ्जों में कहें हम तो टीचर्स की और बच्चों की तलबा और असातिज़ा की आप हमा जहाँ तरक्की पर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, हाल ही में 10th और 12th के रिजल्ट हुए जिसमें 10वीं के तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख तलबा कामयाब हुए और तकरीबन 12वीं की भी 15 लाख से करीब करीब ही हैं। तो इतने जब तलबा 10वीं पास होकर 11th के लिए एडमिशन लेते हैं तो ये बच्चों को कौन से सेक्शन में जाना या फिर कौन सी फैकल्टी चूज करना, ये बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टीज इसमें पेश आती हैं। देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम है जो 20 मसाजिद के जरिए तमाम आज का प्रोग्राम हो रहा है, उसके अलावा ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में ये जो सीजन होता है यानी जब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं मई के बाद से अप्रैल मई जून, उसमें बड़े पैमाने पे अब हो रहे थे। पहले ये प्रोग्राम जिस तरह के बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुआ करते थे, उसकी वजह यही है कि चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ जो कोर्सेज है उसकी जो वेराइटी है वो भी काफ़ी कुछ बढ़ चुकी है। पहले बहुत मखसूस शोबों में ही करियर का इंतखाब किया जाता था, लिहाजा वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रहनुमाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज हर शोबे के अंदर एक ज़िमनी शोबा है, एक फील्ड का, एक माइक्रो फील्ड का, माइक्रो फील्ड जैसे आप एक शोबा ले लें जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में पहले ऐसा था प्रिंट मीडिया था सिर्फ, बिल्कुल, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी 2-4 चैनल्स थे, लेकिन आज जो है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा सोशल मीडिया पूरा, सोशल मीडिया के अंदर भी मोबाइल जर्नलिज्म एक अलग हो चुका है, यूट्यूब चैनल के जरिए जर्नलिज्म एक अलग हो चुका है, जो सोशल ऐप्स है उस पर जो मीडिया के काम हो रहे हैं वो अलग है, उसमें फिर कैमरामैन इन्वॉल्व है, उसमें फिर एडिटर्स इन्वॉल्व है, उसके अंदर और भी मतलब एक छोटे से शोबे को जो आप आज से 10 साल पहले का जो फील्ड था उसको अगर आज कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कोर्सेज आपको मिलेंगी या प्रोफेशनल्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल। लिहाजा ऐसे समय में ऐसे वक्त में स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को सारे इन कोर्सेज की मालूमात देना, अपडेटेड मालूमात देना, वो हम लोग समझते हैं कि हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी, उसके बाद में कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस की, स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ये सारे अपॉर्चुनिटीज को वो बताएं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और तीसरी चीज़ के समाज की ये जिम्मेदारी है, और समाज में आज इतनी ज़्यादा बेदारी है कि आपने जैसे शुरुआत में बताया कि हम लोग पहली मरतबा देख रहे हैं कि मसाजिद के जरिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम, तालीमी रहनुमाई का प्रोग्राम हो रहा है, जो एक मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक इनकलाबी कदम है, और हम लोग मसाजिद को के जरिए और इसी तरह से जो दूसरे मजहबी मकाम हैं जैसे कि मनाजिर है या फिर चर्च है, इनके जरिए भी जो है इस तरह की करियर गाइडेंस के या एजुकेशनल अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि समाज का छोटे से छोटा, निचले से निचला तबके का बच्चा भी या पेरेंट भी वो इन रहनुमाई से वो महरूम ना रहे और उसको भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मुंबई से आए हैं करियर गाइडेंस के प्रोग्राम के लिए, आज यहाँ पे सोलापुर में इतनी स्कूलें हैं, उर्दू स्कूलें हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो टीचर्स हजरात हैं वो आगे आए और आगे आके वो करियर गाइडेंस के एक्सपर्ट बने। काविश फाउंडेशन ने अभी फ़िलहाल एक सेमिनार रखा था जिसमें हमने टीचर्स को ट्रेन किया था करियर गाइडेंस के लिए, कि किस तरह से करियर गाइडेंस करना, जो हम लोग अपनी नॉलेज है शेयर करते ताकि लोकल लेवल पे भी लोग वो चीज़ सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे इससे फैजियाब हों। बिल्कुल। अच्छा, 10th और 12th के तलबा के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? देखिए, अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में बढ़ चुकी है। जहाँ तक के पुराने आज से 15-10 साल का एजुकेशन सिस्टम था और मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली है, और आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना ही है, 2020 में गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जारी कर दिया है, और तमाम स्टेट्स जो इस पर काम कर रहे हैं कि अपने अपने स्टेट में कैसे उसको लागू किया जाएगा।
वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इसी की झलक मिलती है कि जो समाज और दौर जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो हमको अपने तालीमी निजाम को भी बदलना होगा। आज के जमाने के मौजूदा दौर के अंदर इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस में पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करना बहुत जरूरी है। आज अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस डिग्री का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो अगर हमारे पास नहीं है, तो हम उस शोबे में शायद बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तालिबे इल्म के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो करियर के इंतखाब से पहले, करियर के चॉइस से पहले, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे पहले कि वो कौन से फील्ड का बंदा है। जैसे हो सकता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए हों, कुछ बच्चों के मार्क्स एवरेज हों, कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा हों। वो बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं, उनको उस मतलब एरिया में टेस्ट किया गया है जहां पर वो कमजोर है, उसके उस एरिया में उसको टेस्ट किया ही नहीं गया है जहां पर वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा लिहाजा स्टूडेंट को जिनके मार्क्स कम आए हैं, उनको भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पहले करना है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है, अपनी सलाहियतों की जांच करनी है, अपनी एबिलिटीज अगर आपने पहचान लिया है, अपना इंटरेस्ट आपने पहचान लिया है, अपनी पर्सनालिटी को आपने जान लिया है कि मैं कौन से फील्ड का बंदा हूँ, और उस हिसाब से अगर वो करियर का चॉइस करता है। जैसे आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, या आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे आज वीडियोस बिल्कुल नॉर्मल अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, और उसमें कुछ वीडियोस ऐसे बनते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं और उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। देखते हैं। कुछ मजे के लिए देखता है, कोई कोई मालूमात के लिए देख लेता है। मैंने अभी कई कोर्सेज की मालूमात जो है वो ऐसे मतलब टीचर्स या बहुत यंग प्रोफेशनल से ही मैंने देखा है, जो बहुत अच्छी मालूमात बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो वो उनका एक स्किल है, वो उनकी डिग्री क्या है वो आप उसको साइड में रख दीजिए, बट वो जो मालूमात को प्रेजेंटेशन का तरीका जो उनके पास है वो दूसरा है। तो ऐसे ही हर बच्चे को, हर तालिबे इल्म को करियर चॉइस और अपॉर्चुनिटीज को बाद में देखना है, पहले अपने आप को इवेलुएट करना है। दूसरी चीज ये कि देखिए, इंफॉर्मेशन अपडेटेड आपके पास होना जरूरी है। आज की तारीख में अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास मालूमात नहीं है या मुझे पता नहीं है कि ये जो कैमरा कैसे ऑपरेट किया जाता है या वीडियोस को कैसे एडिट किया जाता है, या कोई ये कहे कि जो है मुझे क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है ये फील्ड के बारे में मुझे नहीं मालूम है, या डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है मुझे नहीं पता है, नहीं पता है कोई मसला नहीं। आप यूट्यूब चैनल है, आप गूगल है, या इंटरनेट से आप वो सारी मालूमात ले सकते हैं। तो आप सेकंड चीज जो हम कहने जाएंगे, अपने आप को अपडेट रखें, अपडेटेड रख सारे स्टूडेंट जो है वो पैसिव ना हो। आपकी करियर की बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, लिहाजा आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, ये अपॉर्चुनिटीज आपको खुद से सर्च करना है। तीसरी चीज ये कि इसमें बहुत सारी चीजें जो ऑथेंटिक होना चाहिए, जैसे आप जिस करियर का, जिस कोर्स का इंतखाब कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है या नहीं, एटलीस्ट आपको मालूम हो कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोर्स है, वो डीम यूनिवर्सिटी का कोर्स है, वो बिल्कुल के गवर्नमेंट का कोर्स है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से चौथी चीज क्या है, करियर की चॉइस से पहले आप ये देखिए कि जो करियर आप चॉइस करने जा रहे हैं, आइंदा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उसका क्या उसका होने वाला क्या है। ये कोई ऐसा फील्ड आप ना इंतखाब कर रहे जो हो सकता है कि वो फील्ड नहीं रहे। मतलब आपको मैं ऐसे, जैसे फेसबुक मार्केटर या व्हाट्सएप मार्केटर, आज से 20 साल पहले अगर ये कोई नाम बोलता नहीं तो ये करियर था ही नहीं। नहीं मतलब बच्चा अगर अभी पास कर रहा है तो, पास आउट कर रहा है, तो वो जब फील्ड में पहुंचेगा तो वो 2030 या 2028 के आसपास उसका जो है प्रोफेशनल शुरू हाँ होगा, शुरू होगा। तो वो उस वक्त कौन सी फील्ड जो है वो चलेगी और किसका डिमांड रहेगा उसको भी मद्देनजर रखना है आज की तारीख हाँ में बिल्कुल। करियर की चॉइस के लिए। और इसमें एक चीज ये है कि आप देखिए, ये भी देखिए, ज्यादातर बच्चे और पेरेंट्स बोलते हैं पैसा किसमें मिलेगा, बिल्कुल डिमांड किसमें मिलेगी, वो सब भी आप देखिए, बट उसके एवज भी हम लोग पैरेलल ये बोलते हैं कि भाई आप ऐसा सोचिए कि कौन से काम करके आप खुश हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, अगर आपको किसी मखसूस काम से खुशी मिलती है, वो काम में आप एंजॉय करते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, वो आप उस काम के लिए पैशनेट है, तो पैसा अपने आप आएगा उस फील्ड में। अभी आपको लग रहा है कि बहुत कम मतलब आउटकम है उसका, सैलरी पैकेज वगैरह आप देख रहे हो तो बहुत कम है, लेकिन आप बहुत ज्यादा उस फील्ड में अगर पैशनेट है ना, तो आपको पैसा बहुत आसानी से मिलेगा। तो आप ये भी देखिए कि आप कौन सी फील्ड के बंदे, जिस काम में आप
बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन। करियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागिए, नाम और शोहरत के पीछे, नेम और फेम के चक्कर में आपको ऐसी चीज ले लें। जैसे अभी आईपीएल है, अभी एक आईपीएल के एक सेशन के अंदर एक खिलाड़ी को मिनिमम बेस प्राइस उसका 2 करोड़ होता है, भले से वो खेले नहीं खेले, बिल्कुल वो अलग बात है। तो ये अट्रैक्शन समझ के कोई बच्चा उधर नहीं चले जाए, वो पहले अपनी एबिलिटी देखे कि भाई वो सोलापुर में क्रिकेटर नंबर 1 है कि नहीं है कि नहीं, उसके बाद में महाराष्ट्र में देखे, उसके बाद में वो इंडिया लेवल पे आए। तो ये थोड़ा सा जो सेल्फ जजमेंट है जो है ना, ये लेना बहुत जरूरी है। और हम यही कहते हैं कि भाई जो है ना, आप कोई भी काम करें इसलिए करें कि आपको खुशी मिले उससे। उसके अलावा बच्चे को अपना एप्टीट्यूड जानना जरूरी है, जैसे सर ने बताया, तो उसके लिए काफ़ी टेस्ट वगैरह मौजूद है, उसके जरिए भी वो पता कर सकता है कि वो किस फील्ड के लिए मौजूद है उसके लिए। और साथ ही साथ बच्चे को अपना इंटरेस्ट समझना है, उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है और उसका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, कौन से सब्जेक्ट में उसने अच्छा स्कोर किया है, उसको भी समझना है। ना कि मतलब बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि वो फ्रेंड और अपने पेरेंट्स के उस पर चले जाते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने ये चूज़ किया तो मैं भी इसमें जाऊंगा, या मेरे घर वाले ये बोल रहे तो मैं भी हूँ। तो ये सब ना करते हुए सबसे पहले उसका एप्टीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स और फाइनेंस भी देखना ज़रूरी है कि भाई अगर हम लोग नीट करा रहे हैं तो आगे अगर उसका नहीं आया स्कोर, कम आया खुदा ना खास्ता, तो क्या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या होती, तो वो भी चीज़ भी ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है 10वीं और 12वीं के तलबा ये डिसीजन मेकर या फिर मैच्योर्ड नहीं रहते, अपने खुद के करियर को लेकर दूरंदेशी नहीं रहती ये लोगों में, और उनको उतना तजुर्बा भी नहीं रहता कि अपने फ्यूचर के ताल्लुक से वो डिसीजन पुख्ता डिसीजन ले ले। तो ज़्यादा तौर पर अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप बच्चों का करियर डिसाइड करते हैं। हाँ, तो माँ बाप ने बच्चों का करियर डिसाइड करना, ये किस हद तक सही है? देखिए, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, जो हम लोग कहेंगे कि काउंसलिंग की फील्ड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हु विल बी डिसीजन मेकर, हु शुड टेक द डिसीजन फॉर हिज करियर और फॉर हर करियर। आमतौर पर जो आपने कहा बिल्कुल सही कि या तो रिश्तेदार तय करते हैं, यानी मम्मी डैडी तो तय करेंगे, लेकिन वो भी अपने घर वालों से, रिश्तेदार से। देखिए, आप ये समझ कर चलिए, मैं आंसर में एकदम बिल्कुल स्पेसिफाई कर रहा हूँ इस बात को, आप ये समझ कर चलिए कि करियर गाइडेंस जो है ना, ये कोई एक स्टेप, एक अमल नहीं है कि आज रिजल्ट आया और कल आप डिसाइड करें। ये पूरा एक लेंदी प्रोसेस है। जब बच्चा 7वीं 8वीं में आ जाता है, 6वीं 7वीं 8वीं में आ जाता है ना, उस वक्त से ये प्रोसेस शुरू होना चाहिए और ये काम एक्चुअली स्कूल में होना चाहिए, या स्कूल लेवल के साथ साथ समाज में, मोहल्ले में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले वो डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको करियर ऑप्शंस पता ही नहीं, ना तो उसको अपनी सलाहियत मालूम है। बिल्कुल। और अपनी सलाहियत मुझे आप बताइए कैसे मालूम पड़े, जब तक मुझे अलग अलग किस्म के स्टेजेस नहीं मिलेंगे। मैं बहुत अच्छा ड्रामा कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छी एलोकेशन यानी तकरीर कर सकता हूँ कि नहीं, मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा मैनेजमेंट स्किल मेरे अंदर है या नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, हाँ बराबर है, मैं आउटडोर वर्क कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ग्रुप में काम कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब एक दिन में बैठ के नहीं मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए आपको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और वो मौके देने पड़ेंगे उस बच्चे को जो जिसके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है। तो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जूनियर कॉलेज लेवल तक के बच्चे को ये सारे एक तो प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए ताकि वो ये पता कर सके। अब आपने जो सवाल किया ना, उसमें मेजॉरिटी में आपकी बात से इतना मुत्तफिक हूँ कि जब भी हम पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं किसी भी बच्चे से, जो हमारे लिए काउंसलिंग कहलाता है, वो कोरा होता है। बिल्कुल। वो बोलता है मेरे मम्मी डैडी जो बोलेंगे, बोले मम्मी डैडी से पूछा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे, वो ये बोलते हैं कि जो ये चाहेगा वो बन सकता, लेकिन क्या दोनों क्या चाह रहे हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसमें जो मेजर पार्ट जो अदा करना पड़ेगा ना, वो स्कूल्स को अदा करना पड़ेगा, और जो कैरियर के बारे में जो नॉलेज है, इसके लिए कैरियर टॉक रखना पड़ेगा स्कूल में कि भाई एक आध जो पीरियड है वो कैरियर टॉक का हो जाए, किसी अच्छे लॉयर को बुला के, इलाके के किसी अच्छे आर्किटेक्ट को बुला के उस फील्ड की नॉलेज दी जाए बच्चों को, ये क्या होता है आर्किटेक्ट, ये क्या होता है। उसके अलावा कैरियर फेस्ट रख सकते हैं स्कूल में, हम लोग कैरियर वॉल बना सकते हैं, हम लोग कैरियर के मैगजीन्स मंगा सकते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है ना स्कूल लेवल पे जब होगी तो बच्चे का अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा
और जब अवेयरनेस बढ़ेगा तो वो खुद डिसाइड भी कर सकता है कि उसे क्या करना है।